हम टेक्नोलॉजी से घिरे हुए हैं, और इन टेक्नोलॉजीज को बुद्धू बनाना कभी कभी बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है, और ये बार बार हुआ है। और ये चीज मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कुछ दिन पहले एक चीज हुआ है, एक फैक्ट हुआ है, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक आदमी जो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, गूगल का जो मैप है जिसके जरिए नेविगेशन करते हैं, आप कहीं पे जाते हैं तो रास्ता ढूंढने में आसानी होती है, उसके साथ उन्होंने बहुत ही आसानी से उस मैप को, लोग कह रहे कि हैक कर लिया। अरे भाई हैक नहीं है, वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और एक्सपेरिमेंट ऐसा हुआ कि लोगों को लगा कि वो हैक हो चुका है। मैं आपको बता ही देता हूँ क्या है। एक आदमी है जो, मैं उनका नाम याद नहीं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। तो वो जो क्या कर रहे थे कि वो 99 फ़ोन लिए, अब कहाँ से लिए, क्या उनका खुद का है वो मुझे पता नहीं। अब उन सारे फ़ोन्स में जीपीएस को ऑन कर दिए। जीपीएस ऑन करने के बाद उन फोन्स को, मतलब गूगल मैप जो है उनको ऑन कर दिया, और उनको एक ट्रॉली में लेके वो जा रहे थे रास्ते से। तो रास्ते से जा रहे थे, उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ का जो मतलब एक जो रोड है, जो जिस रोड से वो जा रहे थे, वहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके उसका कलर जो है, पहले ऑरेंज हुआ, ऑरेंज होने के बाद फिर रेड हो गया, और वहाँ पे मैप पे दिखा रहा था कि वहाँ पे ट्रैफिक जैम हो गया। अब ये कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ। जो गूगल का मैप है वहाँ पे इसी तरीके से आपको डेटा मिलते हैं कि कहाँ पे ट्रैफिक कैसा है। आप अगर मैप को ओपन करते हैं, वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि जहाँ पे रेड है मतलब वहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा है, जहाँ पे ऑरेंज है वहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक कम है, जहाँ पे ग्रीन या फिर ब्लू दिखा रहा है मतलब वहाँ पे एकदम खाली जगह है, आप देख सकते हो। तो आपको, आपको आपने शायद देखी भी होगी। तो इस तरीके से होता है। तो वहाँ पे वैसे कोई गाड़ी नहीं था, उस रास्ता पूरा खाली था, वो एक ट्रॉली लेके जा रहे थे, लेकिन गूगल तो देख रहे हैं वहाँ पे 99 को गाड़ियाँ एक साथ जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और 99 गाड़ियाँ एक एक सिंगल रास्ते पे, छोटी सी रास्ते पे अगर जाता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जैम हो जाएगा, ये गूगल को पता है। तो वो सही से रियल टाइम डेटा नहीं कलेक्ट कर पाए कि वो सच में गाड़ियाँ थी या फिर वो कोई यूज़र था, मतलब जो मैंने बताया आपको, एक एक सिंगल यूजर ने ये कांड कर दिया, और इससे पूरा दुनिया हिल गई, पूरा दुनिया देख पाया है कि बहुत बड़ी जो हाईटेक टेक्नोलॉजी एक है, वो मैप फीचर, इसको भी हैक यानी बुद्धू बनाया जा सकता है। और ये एक बार नहीं, मैंने कहा कि बार बार हुआ। और एक चीज़ बता देता हूँ, जब एप्पल का फेस आईडी आया था, उससे पहले एप्पल के पास फिंगरप्रिंट वाला आईडी था, आप जैसे अभी यूज़ करते हो ना, तो तब क्या हुआ था, जब फर्स्ट टाइम एप्पल ने फेस आईडी इंट्रोड्यूस किया, जैसे आप फेस अनलॉक करते अपने फ़ोन को, तो एक बच्चे ने उस आईडी को नाकाम कर दिया, मतलब नाकाम कर दिया मतलब उस लॉक को खोल दिया। अब ये कैसे, एक बच्चा उसकी माँ की जैसे हूबहू देखते हैं, मतलब बहुत उनका जो फेस है, माँ का और बेटे का फेस थोड़ा सा मिलता है, और जब माँ ने फ़ोन को लॉक कर दिया फेस आईडी से, बच्चे ने अपने फ़ोन, उस फ़ोन को अपने मुंह के सामने ऐसे रखा और खुल गया। और इसे लेके मतलब कंपनियां को इतनी सुननी पड़ी, मतलब जो कंप्यूटर्स है वो लोग तो सुनाना नहीं छोड़ेंगे, और इसे लेकर बहुत ही चर्चा हुआ, क्योंकि वो उतना अच्छा नहीं था, मतलब उतना अपग्रेडेड नहीं था, लेकिन शुरुआत में था तो ऐसा प्रॉब्लम हो रहा था, उसके बाद जो है इसे अपग्रेड कर दिया, और अभी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा काम करता है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि ये जो फेस आईडी है ये उतनी अच्छी तरीके से काम नहीं करता जितना काम करना चाहिए। और एक चीज़ बता देता हूँ कि कोई भी हाईटेक टेक्नोलॉजी हो, कोई भी टेक्नोलॉजी हो, उसका एक वीक पॉइंट रहता है, आपको बस उस वीक पॉइंट को ढूंढने की ज़रूरत है, उसके बाद आप हो जाएंगे उसका मास्टर, मतलब आपको सारे लोग जान जाएंगे कि इसने भाई इसको तोड़ दिया, इस सिक्योरिटी सिस्टम को तोड़ दिया, इस टेक्नोलॉजी को बुद्धू बना दिया।
अगर आपको लगता है कि ये बहुत ही अच्छा एक अपडेट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर और उसको सिलेक्ट कर लीजिए, और मैं कोशिश करूंगा ऐसे ही बहुत मज़ेदार फैक्ट्स आपके सामने लाने की। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के शेयर कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए क्रेजी आस्क।